आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन यहाँ पर है assertion reason का। assertion का स्टेटमेंट कह रहा है कि death is regarded as the most regulatory process on earth, यानी कि जो death होती है, मृत्यु होती है, ये सबसे ज्यादा regulation करने वाला process है हमारी earth में। इसके द्वारा हमारी जो population है वो maintain हो रही है। कैसे? इसके लिए जो reason दिया है वो reason है कि it avoids overcrowding caused by continuous reproduction। तो इसका ये कहना है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो कंटिन्यूस रिप्रोडक्शन करके कहीं ओवरक्राउडिंग ना कर दे, इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए डेथ होती है। तो देखिए, डेथ जो प्रोसेस है, एक तो ये इनएविटेबल है, इनएविटेबल है, यानी कि इसे टाला नहीं जा सकता, ये तो आनी ही आनी है, मृत्यु तो होकर ही रहती है। पर जो हमारा रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन की लिमिट्स नहीं होती है, यानी कि कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने फुल मैक्सिमम जो इसका रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी होती है, फुल रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है, उसी के हिसाब से ये रिप्रोडक्शन करता है। तो इसीलिए रिप्रोडक्शन पर लिमिट्स नहीं होती हैं। पॉपुलेशन के सर्वाइवल को जो डिपेंड करती है, जो कंडीशंस हैं, वो होती हैं एक तो रिसोर्स की अवेलेबिलिटी। अगर उस रिप्रोडक्शन के बाद जो पॉपुलेशन बढ़ी है उसको रिसोर्सेज नहीं मिले तो वो भी डाई कर जाएगी, यानी कि डेथ हो जाती है। तो हर चीज़ में आप देख रहे हैं, जब भी रिप्रोडक्शन के द्वारा पॉपुलेशन ओवरक्राउड हो जाती है तो उसको डेथ ही रेगुलेट करती है। तो यहाँ पर जो हमारा स्टेटमेंट है, असर्शन है, उसको हमारा ये रीज़न बिल्कुल ही सही जस्टिफाई कर रहा है। इसलिए हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन वन, बोथ आर ट्रू विद रीज़न बीइंग द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। So correct answer is A. Thank you. Class 6 to 12 से लेके NEET, IIT, JEE, mains और advanced के level तक 10 million से ज़्यादा students का भरोसा। आज ही download करें Doubtnut app या WhatsApp कीजिए अपने doubts 8400400400 पर।